इंडियन सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर भी आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि मौजूदा रेल मंत्री यानी कि अश्विनी वैष्णव भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल है। राजस्थान के सीएम के लिए अश्विनी वैष्णव के नाम की भी चर्चा हो रही है, तो अश्विनी वैष्णव का नाम भी चर्चा में अब जुड़ गया है। राजस्थान में सीएम फेस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्र हालांकि ये जानकारी दे रहे हैं। अब देखना होगा कि अश्विनी वैष्णव ही क्या अगला चेहरा जो है वो बनाए जा सकते हैं, क्योंकि खबरें इस तरीके की भी आ रही थी कि कोई ऐसा चेहरा भी हो सकता है जिसे लेकर अब तक चर्चा ना की गई हो। तो चलिए अब दीपांक, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ, क्या लग रहा है आपको कि कहीं अश्विनी वैष्णव ही तो चेहरा नहीं है? देखिए संभावना है, पर मुझे तो ये लगता है कि वसुंधरा राजे जिस तरह से दबाव डाल रही है वो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी पार्टी में जहाँ इस तरह के दबाव नहीं डाले जाते हैं, खासतौर पर जो मौजूदा लीडरशिप है वहाँ पर, उसके बावजूद वो अपना दबाव डाल रही हैं। दिल्ली आई हुई हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको समझाया जाएगा कि आप इस तरह की राजनीति ना करें, पर वो ठसक के साथ अपनी राजनीति कर रही हैं। उनको मालूम है कि इस तरह की राजनीति दिल्ली को पसंद नहीं है, इसके बावजूद भी वो अपनी चालें चल रही हैं, बहुत ही होशियारी से चल रही हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात केंद्रीय नेतृत्व के लिए फिलहाल है कि किस तरीके से अगला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, कुछ ही महीनों बाद, वहाँ सभी 25 की 25 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो, जैसे कि पिछली बार है। सबसे बड़ा निशाना उनके लिए वही है, कौन ये कर पाएगा उसी को देखकर चुना जाएगा मुख्यमंत्री। और मुझे लगता है कि इन्होंने अपनी दावेदारी बहुत मजबूत तरीके से पेश की है, और अगर ये नाराज़ होती हैं तो उसका भी असर होता है। हमने देखा चुनाव में भी कई लोगों को इन्होंने हरवा भी दिया, तो ये जितवाती भी हैं, हरवाती भी हैं, ठसक के साथ रहती हैं। दिल्ली के लोगों को ये पसंद नहीं है, अब देखना है क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।